ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कही है भृगु वंशस्थ लोगों को या भार्गव लोगों को। तब भृगु महर्षि ने आकर सौभाग्य सुंदरी को कहा, माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है, तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं ये रूठी हुई लक्ष्मी को फिर मनाऊँ। तब उन्होंने कहा कि तुम इस मंत्र का साधना करो। सौभाग्य सुंदरी की माँ मंत्र किया तो मकर राशि पर स्थित जब समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी बाहर आई, उस समुद्र मंथन से बाहर आई तो लक्ष्मी ने देखा कि मुझे कहाँ जाना है। तब कहते हैं कि देवताओं ने, इंद्र ने कहा कि तुम्हें भृगु महर्षि के पास जाना है, वो तपस्यारत है तुम्हारे लिए। तो उस समय भृगु महर्षि ने अपने को लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में आह्वानित किया। और जिस घर में उस संस्थान में जब बेटी होती है तो वो कुछ न कुछ सौभाग्य लेकर आती है, ऐसा सौभाग्य सुंदरी का कहना है। और उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई। तो इतना दुर्भाग्य भी, यानी जैसे भृगु महर्षि को स्वयं लक्ष्मी ने श्राप देकर भी फिर इस सौभाग्य सुंदरी का मंत्र करने के बाद फिर लक्ष्मी भी उनके घर में आकर टिक गई। जिनके घर में ये अड़चन है, पैसा कितना करने पर भी नहीं आते, घर में कोई रोग से पीड़ित है, घर में किसी प्रकार का सुख नहीं है, तो इस सौभाग्य सुंदरी साधना को संपन्न करें। तो भी नर्मदा तट के ऊपर कम से कम एक दिन तो करें। एक दिन इस साधना को करने से हमारे घर में ये जो सुख से हम दूर हैं, उस सुख से दूर ना रहते हुए हम उस सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा गया कि हमारे जीवन में ये दुख प्राप्त होने के कारण मैंने अभी बताया आपको, या को ग्रहों का दोष होना, या तो पितरों का श्राप होना, या देवता का कोप होना, या फिर हमारे पास ही हमारे जो अपने चाहने वाले हैं किसी स्त्री का दोष होना और उसका श्राप होना, यही कारण है कि हमें इन सारी चीज़ों को भोगना पड़ता है। मैंने जैसा सुबह कहते कहते कहा कि हनुमान जी स्वयं पूरा राम राज्य की स्थापना करने के बाद हनुमान जी जब गए रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु ये सारा संसार अब आपका राम राज्य सब कुछ ठीक है, मैं थोड़े दिन के लिए तपस्या के लिए चले जाता हूँ। रामचंद्र जी कहा बहुत अच्छा, जाओ हनुमान जी। तो हनुमान जी बोले कहाँ जाएँ, तो हम कैलाश पर्वत पर हिमालय जाते हैं। कैलाश पर्वत पर हनुमान जी उड़ के चले गए और वहाँ बैठ गए। तो वो शिव जी से मिलने के लिए जाना, जो शिवंश रुद्रांश था मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, तो नंदीश्वर ने रोक दिया। नंदीश्वर ने कहा आपको अंदर जाना मना है। अब हनुमान जी ने कहा क्यों भाई, मैं क्या दोष किया हूँ। बोले तुमने 4 करोड़ राक्षसों को और कम से कम 10 ब्राह्मणों को तुमने मारा है। बोले कैसा, अरे वो तो दुष्ट थे, उनको दुष्ट को मारना नहीं है क्या। ऐसा उन्होंने कहा दुष्ट को मारने या ना मारने ये तुम्हारा काम नहीं है, जो हुआ है ये तो तुम्हारे खास तुमने संहार किया है, इस संहार का दोष जब तक है तुम अंदर नहीं जा सकते, शिव जी का दर्शन नहीं, तुम्हें पाप लग गया। अब वो बोले पाप लग गया है तो इस पाप को कैसे है, ये दोनों का वाद विवाद हो रहा था। तो भगवान शिव ने बात सुनी और शिव जी आए और शिव जी ने कहा कि हे हनुमान, वो जो कहता है उसे वो तपस्यारत मेरे शिवभक्त थे, रावण भी शिवभक्त था या कुंभकर्ण भी शिवभक्त था और उनके घर वाले भी शिवभक्त थे, और तुमने मंदोदरी को भी विधवा बनाया केवल रावण के इस के कारण, और कुंभकर्ण की पत्नी उनके बच्चे बहुत सारे लोगों को तुमने विधवा बनाया, तो इसका तो दोष तुम्हें लगेगा ही लगेगा। इस दोष की निवृत्ति के लिए तुम्हें नर्मदा के तट पर कुंभेश्वर महादेव है, वहाँ जाकर तुम आराधना करो तो तुम्हारे इस पाप का पाप की निवृत्ति होगी। और आज आप सबने भी कुंभेश्वर महादेव का दर्शन लिया है, ये मैंने कह रहा हूँ स्कंद पुराण में कहा गया है। ये जब बात आई गई हुई, हनुमान जी जब भाग कर फिर रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी के पास खड़े रहे, बोले क्या हुआ हनुमान जी तपस्या को गए थे लौट कर आए। बोले क्या कहूँ प्रभु, क्या बात है बोलो तो सही। बोले मुझे शिव जी का दर्शन के लिए जाना नहीं हुआ। क्यों, तो उन्होंने कहा कि रावण अगर उनको लो तो मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की है, इसलिए मुझे पाप लग गया है मुझे जाने। अरे सहायता करने वाले का ये हाल है तो मारने वाले का हाल क्या है, मैं तो मारा हूँ, मेरा हाल क्या है, प्रभु अब आप जाने। फिर तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और कहा, तो रामचंद्र जी को कहा हाँ तुम्हें तो ये भोगना ही, तुम्हें इस पाप को अनुभव करना ही। तब तक सीता जी वनवास चली गई थी और गर्भवती स्त्री को छोड़ दिया था। तब रामचंद्र जी को पता चला कि मुझे क्या हुआ, और राम लक्ष्मण जी ने आकर ही कुंभेश्वर महादेव की साधना फिर संपन्न करनी। और कहा जाता है कि उनकी अश्वमेध देखने के लिए स्वर्ण की सीता कुंभेश्वर महादेव के पास ही रामचंद्र जी ने तैयार की थी, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया। यानी स्वर्ण की सीता जो यज्ञ में पत्नी चाहिए इसके लिए यहीं बनाई गई थी। तो मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कितना भी पाप अपने साथ अगर जुटा हुआ हो और अपने कामों में अड़चन आ रहा हो या अपना दुर्भाग्य हमें सता रहा हो, तब हम इस सौभाग्य सूत्री की साधना बार बार ये कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नर्मदा तट पर ही करना ये श्रेष्ठता है। इसलिए हम नर्मदा के तट पर
अब पारुल बहन और उनके साधकों की वजह से आज हम नर्मदा तट के ऊपर बैठे हैं। आप सब लोग अगर इस साधना को आज रात में 10 बजे के बाद गणेश जी की साधना और कल सुबह शोभा की सुंदर की पहली साधना यहाँ से आरंभ करते हैं तो आप इन सारे दोषों से मुक्त हो जाओगे। बाद में आपको जो साधना करना है वो घर जाकर कर सकते हैं, लेकिन ये साधना संपन्न करना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। और इस साधना को संपन्न करने से अपने जीवन में मैंने ऐसे जैसा आप कहा, कभी कभी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे गुरु कृपा से मैं इतना कहता हूँ कि आप अगर कहते हैं तो मैंने जिसे रोग बताए मकर कुंभ मीन ये राशियों को, धनु मकर कुंभ मीन राशियों को कैंसर का आना ज़्यादातर, हमारे शिष्य महाराज खाली बैठते नहीं, गुरु जी तंबाकू खाए तो भी कैंसर नहीं आता क्या पूछ रहे थे तंबाकू खाया हो आदमी भी अगर ये साधना करे तो उसको कैंसर नहीं आता क्या? मैं बोला नहीं आता, गारंटी मेरी, तुम साधना तो करो, पहले साधना करने के बाद बताओ, साधना करो और तंबाकू खाओ, मैं देखता हूँ कैंसर कैसा होता है। तो मैं आपको ये कहना, अभी हमारे शिशु हमारे खाली नहीं बैठते, कभी उसने उनका प्रश्न और मेरे चलते रहता है तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैंने उनके कहा कि ये सारी चीज़ें अपने जीवन में ना आए तो हम इस धर्मेश्वर गणपति का नर्मदा के तट पर अगर हमें साधना एक माला भी मंत्र कर लेते हैं तो हम इन सारी पीड़ाओं से ग्रस्त नहीं होंगे और हम हमारे जीवन को उज्जवल बनाएंगे। इस 2 दिन की साधना तो हुई, ऐसा मैं कहने के बाद मैंने कहा कि आगे अब साधना तो पार्लियामेंट 2 साधना के लिए ही तंग हो जाएगी, तीसरी साधना नहीं देनी भाव। अभी शादुल भैया पूछ रहे थे कि और तीसरी साधना, अरे ये 2 साधना करें मेरे भाग्य है, उनका भाग्य नहीं मेरा भाग्य उदय आ गया, अगर ये दो साधना अगर करते हैं तो मेरा भाग्य उदय हो गया, मैं अच्छी तरह खाना खाया समझता हूँ। तो ये आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि मैं नर्मदा तट पर रहने के कारण बहुत सारी साधना इससे पहले हुई थी, लेकिन इस साधनाओं को आप यहाँ संपन्न करते हैं आज 10 बजे के रात के 10 बजे केवल 3 माला जप है, एक पान के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक निकाल कर उसके ऊपर गणेश जी को स्थापना करते हुए अगर आप 3 माला में जप करते हैं तो मैंने निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके जीवन भर में कभी वो रोग नहीं आएंगे जो मैंने आपको कहा है, और आगे के जीवन में सौभाग्य सुंदर की साधना आपको हो नहीं सकती। तो आप अगर नर्मदा में स्नान करके कल सुबह वो साधना नर्मदा के तट पर कर दें तो आपके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा, और दुर्भाग्य हो तो भी चला जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप साधना संपन्न करें, और मैंने उतनी दूर से आपके लिए अगर आया हूँ, आप मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन तो एक कारण है मेरा यहाँ आने का, मैं बहुत बोल गया था इस बार, लेकिन पार्लियामेंट के बहुत कहने के बाद मैं आया हूँ, इस बार शिविर ही नहीं करना है ऐसा ही बोलते रहा, लेकिन सभी का कहना है कि गुरु जी एक बार आप बाहर आओ, आप बाहर नहीं आए तो हम और भी ये हो जाएंगे। तो मैं इस शिविर के लिए आया हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से साधना संपन्न करें और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएं, कभी असमर्थ ना जिए। मैं पहले से भी, मैं अगर मेरे बचपन के मैं तुम्हें कहता हूँ 8-10 साल की उम्र में हम आप क्या कहते हैं अपने घर के ऊपर लकड़ी के ये बने होते थे, उसको क्या बोलते हैं आप, लकड़ी ऊपर छत के ऊपर लकड़ी लगाते थे ना, बड़े बड़े खंभे लगाते थे, हमारा पहले लकड़ी का घर था, उसके ऊपर मैंने चाकपीस से लिखा था, मैं घर जब तक गिराया नहीं तब तक भी मेरे बच्चों तक भी यही बात कहता रहा और आज भी यही बात करता हूँ, असमर्थ जीने से भी मृत्यु भली, असमर्थ जीने से भी मृत्यु को प्राप्त करना ठीक है, लेकिन असमर्थ जीना नहीं, जीना तो सामर्थ्यवान जीना, छाती ठोक कर जीना और कहना ऐसा जीना कि लोग कुछ कहा। अभी ऐसा ही बैठे बैठे निमेश भाई भी कभी कहते हैं, हमारी गोपी भी कहती है क्या गुरु जी रोज़ साधना करते हुए न मिले, रोज़ खाना खाना जितना ज़रूरी है और ये करना साधना भी जीवन में उतनी ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन में नई नई समस्याएं आती हैं, नए नए व्यापार आते हैं, नए नए बीमारियां आते हैं, कल तक कोरोना को कोई देखा भी नहीं था, कोरोना नाम की बीमारी आई कल वायरस की बीमारी आई, नई बीमारी के लिए नई साधना जरूरी देनी है, इसलिए हमारे जीवन में जैसे जैसे समस्याएं हैं वैसे वैसे साधनाएं देना जरूरी है। आजकल आंखों का लाल होना, रहते रहते आंखों का लाल हो जाता है, किसी की सांस फूल जाती है, लंग कैंसर आ गया, अरे पहले ये सब क्या थे, वो लोग जिए नहीं क्या, वो लोग भी जिए, ऐसा ही जाते थे शेषु महाराज, मैं उदय महाराज जा रहे थे तो शेषु महाराज का कहना था, हम जाते देखते रहे थे कि गुरु जी वहाँ जाओ मत जाओ, जाओ वो पानी अच्छा है वहाँ, वो पानी अच्छा नहीं है, नल अच्छा नहीं है, वो नल वो क्या उसके पास नाली के पास है, आप पानी मत पियो, ऐसा करा।
मैंने उनको बताया कि ये कुत्ता वहाँ पानी पी रहा था। मैं बोला इसको कैंसर आता क्या, ये कुत्ते को जो पानी पी रहा है ये इसका ख़त्म हो जाएगा क्या बीमारी से? उसको नहीं है तो तेरे को मेरे को बीमारी? तुम ज़्यादा स्वच्छ होकर बीमारियाँ ज़्यादा ले लेते हो, नॉर्मल रहो, प्रकृति के साथ एकात्म हो जाओ, तादात्म हो जाओ, तुम्हें कुछ बीमारियाँ नहीं आती। हम प्रकृति के साथ मिलते हैं, हम आजकल प्रकृति के साथ मिलना छोड़ दिए, नदी का पानी पीना छोड़ दिया, वो RO का वाटर पी रहे हैं, बिस्लरी का वाटर पी रहे हैं। रोटी में खा जाओ तो पहले रोट जहाँ जवारी करते थे वहाँ से जवारी लाए निकाले, जवारी कच्ची जवारी खाते थे, आज कच्ची जवारी, अरे उसको मिट्टी लगी हुई, नहीं नहीं खाना, अरे मिट्टी खा कर, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने वाला, मिट्टी को खा के तो देखो। आज मैं हूँ, माता जी हूँ, बचपन से ऐसे ही खाना खा के आज मैं कहता हूँ कि तुम्हारे से भी हम दोनों अच्छे हैं, आज आगे चल सकते हैं। हमारी गोभी को तुम अगर 3 किलोमीटर चलाओ तो 1 किलोमीटर के बाद कार कहाँ है ढूंढते रहेगी, कोई व्हीकल मिलेगी नहीं। 1 किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे शरीर को लेकर क्या कि जो दूसरे पर आधारित हो, कार पर आधारित हो, हम चल सकने की क्षमता रखें, हम आगे आए, हमारे में कोई बीमारियां हमारे पर ना हो। तुम्हारा कितना भी दुर्भाग्य हो उसको मिटाने के लिए एक बार सौभाग्य सुंदर साधना करें और आज उस नर्मदा गणपति की साधना संपन्न करें, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। आपके साथ मैं भी साधना करता हूँ क्योंकि फिर मैं नर्मदा के तट पर आकर साधना करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं आज भी साधना करता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूँ और आज एकादशी का दिन है, मैं चाहता हूँ कि निमेश उठें और आप उठो और एक बार गुरु जी की आरती संपन्न करो, करने के बाद तुलसी उठ के गुरु जी की आरती संपन्न करो, इसके बाद भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे आज, क्योंकि हमारे परल बहन पूजा करके करके थक गई है, गुरु जी के साथ करके थक गई पूजा ही कर, क्या गुरु जी आरती हाथ में आरती पटा दे टपा देते हो। आइए आरती।